नमस्कार, मैं नीरज भंगड़वा आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी सी एस आर नेट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हम 45 डेज क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको सुपर क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, जो आपके रिलेवेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह मैंने 8 चैप्टर करवा चुके हैं हम, वो आज 9th चैप्टर हमारा हो जाएगा, ठीक है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा जो ये वीडियो जो देख के। तो आगे आज शुरू करते हैं, अभी मैथमेटिकल फिजिक्स से हम शुरू करेंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। ईएमटी हमारे साथ के साथ चलती रहेगी, भी क्वांटम हमारे साथ के साथ चलती रहेगी। ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिकल भी करवाएंगे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी करवाएंगे, मतलब और सॉलिड स्टेट फिजिक्स मोस्टली सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। एटॉमिक एंड थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल भी, इनके भी क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करेंगे। तो आगे तो स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन से। देखिए, चेक वेदर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ जेड इज एनालिटिक और नॉट एनालिटिक। मतलब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड, जेड इज कैपिटल, साइन ऑफ जेड इज इट एनालिटिक और नॉन एनालिटिक, ये हमें चेक करना है। वेदर इट इज एनालिटिक और नॉन एनालिटिक, ये हमें चेक करना है। तो भाई बता दीजिए क्या रहेगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कीजिए। ओके, क्वेश्चन हमारे कहाँ तक हो गए थे भाई? आई थिंक 50 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे। क्वेश्चन कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए, मैं तब तक नंबर देख लेता हूँ। आई नो, क्वेश्चन कीजिए भाई। ओके, 55 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा। विल यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट? इफ़ यू कैन देन इट्स वेरी गुड एंड अप्रिशिएबल, इफ़ यू कैन देन इट्स ऑल्सो गुड। मैं करवा दूंगा उसको, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घबराना नहीं है भाई, बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी कीमत पे। बस आराम से आपको ठंडे दिमाग से सोचना है भाई। हमें पता है ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। दो फंक्शन की बात होती है, एनालिटिक फंक्शन की बात होती है एंड नॉन एनालिटिक फंक्शन की बात होती है, ठीक है, ये दो ही सिस्टम की बात होती है। एनालिटिक फंक्शन कौन सा होता है भाई, जिसका हम एनालिसिस कर पाए, ठीक है, नॉन एनालिटिक का भी जिसका हम एनालिसिस ना कर पाए, नॉट एबल टू एनालिसिस, जिसका हम एनालिसिस ना कर पाए वो आपका नॉन एनालिटिक होगा। तो भाई कॉम्प्लेक्स प्लेन में जेड आपका किसके इक्वल होता है, दैट इज एक्स प्लस आई ओटा वाई, यही तो होता है। तो एफ ऑफ जेड आपका किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ जेड आपका किसके इक्वल हो गया, साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। अब साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला किसके इक्वल होता है भाई, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस में साइन ऑफ बी एंड कॉस ऑफ ए। यहाँ ए को एक्स मान लीजिए, बी को आयोटा वाई मान लीजिए, बस हो गया काम, इतना ही क्वेश्चन था। साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ आयोटा वाई प्लस में साइन ऑफ आयोटा वाई एंड कॉस ऑफ एक्स। तो भी एक फार्मूला होता है, आप लोग सभी जानते हो, कॉस ऑफ आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई एंड साइन ऑफ आयोटा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ आयोटा वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक वाई एज इट इज, और आयोटा भी आपका साथ में आएगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या बना था, फंक्शन बना था साइन ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ आयोटा वाई प्लस में साइन ऑफ आयोटा वाई एंड कॉस ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा अभी आपका साइन ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई प्लस में आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई एंड कॉस ऑफ एक्स, ये हो गया अभी आपका। तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इसको मैं यू मान सकता हूँ जो एक्स और वाई पे डिपेंड है, इसको मैं वी मान सकता हूँ जो एक्स और वाई पे डिपेंड है, मतलब एफ ऑफ जेड आपका किसके इक्वल आ गया,
यू ऑफ एक्स वाई प्लस में आयोटा वी ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है भाई, अब एनालिटिक के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई? एनालिटिक के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? एनालिटिक फंक्शन के लिए सबसे पहली कंडीशन ही क्या होती है भाई? वो सी आर इक्वेशन को फॉलो करेगा, सी आर इक्वेशन को फॉलो करेगा। सी आर इक्वेशन का मतलब है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। यहाँ यू एक्स से मेरा मतलब है कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, वी वाई से मेरा मतलब है कर्ली वी बाई कर्ली वाई, एंड यू वाई से मेरा मतलब है कर्ली यू बाई कर्ली वाई, एंड वी वाई वी एक्स से मेरा मतलब है कर्ली वी बाई कर्ली एक्स। तो भाई यहाँ पर यू भी है हमारे पास और वी भी है हमारे पास, तो यू एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? यू एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई। मस्ट बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए भाई? वी वाई के इक्वल होना चाहिए, वी वाई। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ये हो जाएगा भाई आपका साइन हाइपरबोलिक का क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई एंड कॉस ऑफ एक्स आपका एज इट इज है, कॉस ऑफ एक्स आपका एज इट इज है। तो ये हो गया भाई, मतलब ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन एक कंडीशन से ही कभी नहीं होता भाई, ये सिर्फ एक कंडीशन से नहीं होता, दूसरी कंडीशन भी मस्ट बी सेटिस्फाई। तो u of y आपका किसके इक्वल होगा? यहाँ पर भाई cos ऑफ हाइपरबोलिक y यही हो जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक y एंड साइन ऑफ x। भाई जैसे जैसे cos ऑफ x का आपका होता है माइनस आता है, हाइपरबोलिक में आपका प्लस एज इट इज ही रहेगा, हाइपरबोलिक में आपका चेंज नहीं होगा। आप क्या करो भाई, v ऑफ x करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? साइन ऑफ हाइपरबोलिक y एज इट इज रहेगा और cos का क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x विद माइनस साइन, साइन ऑफ एक्स विद माइनस साइन। यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर देखिए कंडीशन में क्या है, यू ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू माइनस वी ऑफ एक्स, माइनस साइन ही आ गया। देखो माइनस साइन आ गया, आया या नहीं आया भाई ये बताओ? अरे यहाँ पर कोई साइन है, यहाँ पर साइन आ गया माइनस, मतलब यहाँ पर तो आपका प्लस ही है, यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस का ही हमें डिफरेंस चाहिए था। तो यहाँ पर हमने देखा भाई यू ऑफ एक्स आपका वी ऑफ वाई के इक्वल आ गया, ये बात तो हमारी इन दोनों से कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट में u ऑफ y आपका माइनस ऑफ v ऑफ x के इक्वल हो गया, मतलब ये क्वांटिटी इसके कब होगी? जब इसके आगे माइनस लगाओगे, तो मतलब माइनस हमने आगे लगा दिया है। ठीक है, तो ये आपका सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या कहलाएगा? एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। एनालिटिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है भाई? जो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एनालिटिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? जो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। समझ में आई बात या नहीं आई? अरे समझ में आई या नहीं आई, दोबारा रिपीट करूं, यस और नो? भाई आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ था साइन ऑफ जेड, ये हमें चेक करना था एनालिटिक क्या है। जेड की जगह मैंने क्या कर दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई रख दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई यहाँ पर रखा मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला था साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी कोस ए साइन ए कोस ए ना साइन बी कोस ए। यहाँ पर a को मैंने x बोल दिया एंड y को मैंने बोल दिया आयोटा वाई, ये वैल्यू पुट कर दी। एक फार्मूला हमें पता है, जब cos ऑफ आयोटा वाई होता है cos ऑफ हाइपरबोलिक वाई, साइन ऑफ आयोटा वाई होता है आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई, ये वैल्यू पुट की भी। यहाँ पर एक आपका रियल फंक्शन आ गया, एक आपका इमेजिनरी आ गया, और cr इक्वेशन लगा दी जो है ux इक्वल टू vy एंड vu y इक्वल टू माइनस ऑफ vx। ux का मतलब है कर्ली यू बाई कर्ली एक्स एंड वी वाई का मतलब है कर्ली वी बाई कर्ली वाई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो वही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप। ठीक है, आई विल रिप्लाई। आगे बढ़ते हैं भाई उसी डायरेक्शन में। आप लोगों को पता होगा भाई यूजीसी नेट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, एनटीए ने की है, और एनटीए ही आपका सीएसआईआर नेट कंडक्ट करवाता है। आई होप सभी को पता होगा। अब क्या बात है भाई, बात ये है, ये एग्जाम आपका अक्टूबर और नवंबर में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हम भाई हमारा एग्जाम भी नवंबर या दिसंबर में तो डेफिनेटली होना ही होना है, हो जाए भाई अक्टूबर में भी, तो मतलब हमें एग्जाम के लिए रेडी रहना पड़ेगा, बिल्कुल बी प्रिपेयर्ड। तो भी आपको कैसे प्रिपेरेशन करनी पड़ेगी उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन, दैट ऑप्शन इज अनअकैडमी। आप ऐसा कीजिए, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद सेलेक्ट योर गोल में सी एस आर यू जी सी नेट सेलेक्ट कीजिए,
ठीक है। आफ्टर दैट मेरा नाम सर्च कीजिए भैया, यहाँ पर ये मेरा नाम क्लियर विजिबल है यहाँ पर, नीरज बंगड़ुआ, ठीक है। मेरा नाम सर्च करोगे आप तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, अगर नहीं आए तो सीओएल में देख लेना, मेरी प्रोफाइल आएगी, मुझे फॉलो करना तो मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। कल है भाई, मतलब आज आज है, आई मीन कल, मैंने कल बोल दिया, आज है भाई आपके जो क्लास होगी मेरी, टुडे थर्सडे ना, या तो आज हमारी जो क्लास है भाई वो 9 PM पे है, ठीक है। क्लास का जो शेड्यूल है वही ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे, ये क्लास का शेड्यूल है। ये 3 दिन आपकी 9 PM पे ही होगी, संडे को दिन में हो जाएगी, संडे को दिन में हो जाएगी। तो आपको क्या करना, मुझे फॉलो करोगे तो मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मेरी प्रोफाइल ओपन करना फिर, तो यहाँ पर देखोगे ये मेरा प्लस कोर्स है, ये और सी ओ में जाओगे तो 85+ क्लास है, ठीक है, स्पेशल क्लास है और फ्री है, उसके लिए कोई पैसा नहीं, जिसमें क्वांटम भी करवा रखी है, ओपम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कंप्लीट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कम, यानी 70% कंप्लीट, थर्मोडायनेमिक्स क्लासिकल के क्वेश्चन, मैथमेटिकल के शॉर्ट ट्रिक, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट, ठीक है। तो मतलब बहुत सारा आप लोगों के पास मटेरियल अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, आप जाए और क्लास लीजिए वहाँ जाके, ठीक है। आपके मोबाइल में बस डेटा होना चाहिए, 1 रुपया नहीं लगेगा भाई आपका, पैसों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऐसा कोई हिडन चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, आप लोग का सिंपल सा है भाई, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, आप जाके देखिए। अगर आप प्लस पे आना चाहते हो, ये बात है, अगर आप प्लस पे आना चाहते हो, प्लस का पे आपका जो, जैसे मैंने क्वांटम का कोर्स करवाया, अगर आप इस तरह कोर्स करना चाहते हो तो उन बच्चों के लिए ये बात, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अन अकेडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये होता भी आपका 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए, ऐसे एटलीस्ट 12 मंथ लीजिए, 963 पर मंथ के हिसाब से 11,550 रुपये का पड़ेगा। चलो भाई इस पे भी आपको ऑफ दिला देते हैं, ये आपको कोड दिखाई दे रहा है NRJ10, NRJ10 इसको यूज कीजिए, आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा, मतलब आपका इंस्टेंट 10% ऑफ हो गया, जो आपका 11,550 पड़ रहा था वो आप कट के 10,395 बच गया, 10,000 रुपये बच गया आपका 1 साल के लिए, ठीक है। ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम होंगे, CSIR, गेट, जेस्ट, TIFR, जॉब की बात कर लो, BARC, सभी एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आप JRJR की बात करो तो 31,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, मतलब 10 दिन में आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, जो आप 1 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, ठीक है। पेमेंट की बात करें तो भाई डेबिट और क्रेडिट से आप पे कर सकते हो, ठीक है, UPI से पे कर सकते हो, वॉलेट से पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो, इवन आप EMI भी कर सकते हो, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड दोनों पे अवेलेबल है, और नो कॉस्ट EMI, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा, 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ठीक है। तो फायदे क्या होंगे भाई, आप मान लो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, फायदे क्या रहेंगे, मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, कंप्लीट CSIR का पैकेज मिलेगा, जिसमें ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, मतलब ये है अभी ऐसा नहीं है जैसे आपने मेरा कोड यूज कर लिया NRJ10 और आपको सिर्फ मेरी वीडियो देख, नहीं, पूरा पैकेज मिल जाए, आप जितनी बार देखे, जितने एजुकेटर की देखे, सबकी वीडियो का एक्सेस मिलेगा, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ भाई अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। फिर बात करें हम, डाउट सेशन होगा हर एक क्लास का, PDF क्लास मिलेगी आपको, मतलब जो पढ़ाया जाए उनका सबका PDF मिलेगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, मुझसे भी होगा, बाकी फैकल्टी से भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज होंगे और आपको होमवर्क दिया जाएगा, ये सभी फायदे अभी आपके अन अकेडमी प्लस पे आने के, ये सभी फायदे आपके अन अकेडमी प्लस पे आने के। और कोड अपना यही रहेगा अभी, कोड अपना यही रहेगा NRJ10, कोड क्या अपना NRJ10, जो आपको 10% ऑफ दिलाएगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है, ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो अगर आप सीरियसली एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी प्लस कंसीडर करना चाहिए। उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं, हम जो हमारे डायरेक्शन क्वेश्चन वाले डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, गिवन एन एनालिटिक फंक्शन, फंक्शन क्या अभी आपका एनालिटिक है, ये बात याद रखना, फंक्शन क्या आपका एनालिटिक है, ठीक है, गिवन एन एनालिटिक फंक्शन आपका ये वाला पार्ट रियल पार्ट है, जो मैंने अभी साई ऑफ एक्स वाई किया, फाई ऑफ एक्स वाई एंड साई ऑफ एक्स वाई आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है,
तो आपको रियल पार्ट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज एक्स स्केयर प्लस में 4x माइनस वाई स्केयर प्लस में 2y, ठीक है भाई। ये तो वेयर सी इज द कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, इनमें से भाई साई की कौन सी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, कौन सी वैल्यू साई की होगी। भाई एक बात याद रखना, ये जेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। जेस्ट के क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं, आप इनको हल्के से नहीं ले सकते, मतलब जेस्ट का एक काफ़ी रेपुटेटेड एग्जाम है, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड होता है। फटाफट कीजिए भाई, बिल्कुल 2 मिनट का क्वेश्चन है, इसको आप 2 तरीक़ों से सोल्व कर सकते हो। हो जाएगा, यस और नो, देखो इसको आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है, कैसे उसकी हम बात। भैया आपका एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन तो डेफिनेटली सी आर इक्वेशन को फॉलो करेगा। सी आर इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स मस्ट बी इक्वल टू वी ऑफ वाई एंड यू ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू माइनस वी ऑफ एक्स, मतलब करली यू, यहाँ पर यू क्या आपका फाई है, यू क्या आपका फाई है और साई क्या आपका वी है, मतलब करली फाई बाय करली एक्स मस्ट बी इक्वल टू करली साई बाय करली ऑफ वाई, ये होना ही होना चाहिए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो ये हमारा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 4, 2x प्लस में 4, बाकी का आपका होगा नहीं। अब ऐसी क्वांटिटी चाहिए मुझे जो 2x प्लस में 4 दे, जो 2x प्लस में 4 दे इन चारों में से। तो भाई आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा, अगर इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4, मतलब आपका पहला ऑप्शन नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, देखो यू एक्स आपका ये होता था एफ ऑफ एक्स वाई यू प्लस में आयोटा वी, अब की बार इसने क्या लिख दिया फाई प्लस में आयोटा साई, मतलब यू आपका किसके इक्वल है फाई के इक्वल है, वी आपका किसके इक्वल है साई के इक्वल है, तो मतलब यू एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ फाई एक्स लिख सकता हूँ और वी वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साई वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। फाई का मतलब क्या, फाई एक्स का मतलब क्या, करली फाई बाई करली एक्स होगा, और करली साई वाई का मतलब क्या, करली साई बाई करली वाई होगा, ठीक है भाई। सिंपल सा देखो, इसमें और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैंने इस वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन का मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x प्लस में 4 आ गया भाई, 2x प्लस में 4 आ गया। अब ये चार इक्वेशन साई के, इनमें से मुझे करेक्ट देखना है, तो डेफिनेटली इसका मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो वही वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहली टर्म तो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगी, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या करेगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे 2x तो मिल जाएगा बट माइनस 2, सॉरी 2x ये आपका x तो 0 है, तो ये तो भाई इक्वल नहीं हुआ, मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन भी गलत। जब एक ही पार्ट सही नहीं हुआ है, कंडीशन तो ये दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, पहले एक ही गलत हो गया तो मतलब पूरा ही गलत है,
इस पे चलिए भाई, सी पार्ट पे चलिए। इसको वाई के रिस्पेक्ट में करोगे 2x एंड 4, मतलब ये कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई होगी। एक अभी दूसरी कंडीशन की ओर बात करते थे, कर्ली फाई बाय कर्ली वाई मस्ट बी इक्वल टू कर्ली साई बाय कर्ली ऑफ एक्स, इसके इक्वल होना ही होना चाहिए। तो कर्ली फाई बाय कर्ली वाई किसके इक्वल हो जाए भाई, यहाँ पर देखिए माइनस ऑफ टू वाई प्लस में टू, माइनस ऑफ टू वाई प्लस में टू, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, टू वाई एंड ये आपका क्या बचेगा, दैट इज माइनस ऑफ इक्वल हो गए भाई, क्योंकि क्या था वो कर्ली ऑफ फाई बाय कर्ली ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू कर्ली ऑफ, सॉरी यहाँ पर हाँ कर्ली ऑफ साई बाय कर्ली ऑफ एक्स, माइनस साइन आएगा, आप क्या करो माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया और माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा। इक्वल हुए विद माइनस साइन, इक्वल हुए विद माइनस साइन, तो मतलब ये आपका सही है, ये आपका सही है, तो आपको फिर दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है, एक तरीका तो ये है भाई इसका, सिंपल सा। आप जरूरी नहीं आपको पूरा क्वेश्चन ही सोल्व करना है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, एमसी का क्या होगा यही फायदा होता है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इसको वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर कुछ बचने वाला नहीं, मतलब डी ऑप्शन भी आपका गलत ही बनने वाला, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब भाई प्रॉपर चैनल से चलते हैं, इसने दे रखा, इसने दे रखा फाइ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस में टू वाई। अब भाई मुझे क्या निकालना है, साई ऑफ एक्स वाई मुझे निकालना है, तो मैंने क्या किया कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स किया, ये किसके इक्वल आ गया भाई, दैट इज टू एक्स प्लस में फोर, किसके इक्वल हुआ भाई, ये हुआ आपका कर्ली साई बाय कर्ली वाई, ठीक है इसके इक्वल है। दोबारा देखिए भाई, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर कर्ली साई किसके इक्वल हो गया, दैट इज टू एक्स प्लस फोर एंड कर्ली ऑफ वाई, कर्ली ऑफ, तो साई किसके इक्वल हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टू एक्स वाई प्लस में फोर वाई प्लस में सम कॉन्स्टेंट सी ऑफ एक्स, ठीक है सम कॉन्स्टेंट सी ऑफ एक्स, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अभी तो मैंने एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, अभी दूसरी कंडीशन पे चलिए, कर्ली ऑफ फाई बाय कर्ली ऑफ वाई डेफिनेटली मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ टू वाई प्लस में टू वाई, टू ये किसके इक्वल होगा भाई, ये होगा माइनस साइन कर्ली साई बाय कर्ली ऑफ एक्स, माइनस साइन को इधर भेज दीजिए तो कर्ली साई बाय कर्ली ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल आ गया, दैट इज टू ऑफ वाई विद माइनस टू, और एक साई आपका ये रहा, ये आपका उसका डिफरेंशिएशन, तो ये डिफरेंशिएशन कीजिए कर्ली साई बाय कर्ली एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, दिस वन इज टू वाई एंड दिस वन इज फोर एंड दिस वन इज और नॉट नॉट फोर नॉट फोर नॉट फोर, ये वाई पे है तो मतलब ये हो जाएगा एंड दिस वन इज सी डैश ऑफ एक्स, ये क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू, ये कर्ली साई बाय कर्ली एक्स है, कर्ली साई बाय कर्ली एक्स है तो दोनों क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू, तो टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू टू वाई प्लस में सी डैश ऑफ एक्स, टू वाई से टू वाई कैंसिल हो गया तो सी डैश ऑफ एक्स आपका आ गया माइनस ऑफ टू, इंटीग्रेशन कीजिए दोनों साइड सी ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल है, माइनस ऑफ टू एक्स के इक्वल आएगा। ये वाली वैल्यू कहाँ उठा के रख दो, ये वाली वैल्यू कहाँ उठा के रख दो, यहाँ पर उठा के रख दो, तो साई ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, साई ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, टू ऑफ एक्स वाई प्लस में फोर ऑफ वाई माइनस माइनस टू ऑफ एक्स प्लस में सम कॉन्स्टेंट, ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में चलिए देखो टू ऑफ एक्स वाई प्लस में फोर वाई माइनस में टू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, यही तो मेरा आंसर आया, यही तो मेरा आंसर आया भाई। आपको क्या करना है मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको कोई भी वो दिया जाएगा एक रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट दिया जाएगा, अगर आपको रियल पार्ट दे रखा तो आप उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिए, वो आपका इमेजिनरी पार्ट के वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन के इक्वल होगा, तो इंटीग्रेशन निकाल के साई की वैल्यू आ गई। अब सेकंड पार्ट भी हमें करना है यू एक्स वी वाई एंड यू वाई माइनस ऑफ वी एक्स, तो कर्ली फाई बाई कर्ली वाई आपका ये बार आ गई है किसका, माइनस कर्ली साई बाई कर्ली एक्स के इक्वल होगा। अब मैंने देखा भाई ये माइनस साइन मैंने इधर भेज दिया तो माइनस माइनस प्लस एंड ये माइनस, कर्ली साई बाई कर्ली एक्स इसके क्वांटिटी के है बट साई आपका ये है, तो इसको मैं अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ तो ये हो जाएगा टू वाई यहाँ पर जीरो और ये आपका एक्स पे डिपेंडेंट था, इसलिए यहाँ पर एक्स पे डिपेंडेंट क्यों लिया, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो एक्स आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये आ गया भाई। अब ये वाला और ये वाला तो इक्वल है तो ये दोनों क्वांटिटी भी आपकी इक्वल होनी ही होनी चाहिए, टू वाई से टू वाई कैंसिल हो गया, सी ऑफ वाई आपका माइनस टू आ गया, इंटीग्रेशन करोगे ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया था तो इंटीग्रेशन करोगे माइनस टू ऑफ एक्स आ जाएगा और वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा
कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। समझ में आया भाई? समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? आगे देखिए, अभी समझ में आ गया तो वेरी गुड, आगे कीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वन प्लस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय वन प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस में ए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस वन, वन प्लस में टू आयोटा वाई, वन माइनस एक्स माइनस ए एक्स इज कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये क्या आपका भाई एनालिटिक फंक्शन है? TIFR का क्वेश्चन है, ए की वैल्यू आपको निकालनी है। फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए भाई। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करो भाई। एनालिटिक फंक्शन में कंडीशन बताई है? अरे हाँ या ना, कंडीशन बताई है ना एनालिटिक फंक्शन में, तो कंडीशन लगा दीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन, बस इतना ही सीधा। हो जाएगा ना? क्वेश्चन को समझे देता हूँ थोड़ा टाइम। हो जाएगा, मैं करवा दूँ? भाई देखिए, इसको बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाए किसी भी कीमत पे। एनालिटिक फंक्शन है आपका, एनालिटिक फंक्शन में आपको क्या करना है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। अगर आपका कभी भी एनालिटिक फंक्शन हो जाए तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। किसको सेटिस्फाई करोगे? सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे। सी आर इक्वेशन आपकी क्या होती है? सी आर इक्वेशन होती है यू एक्स प्लस इज इक्वल टू वी ऑफ वाई एंड u ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वी ऑफ x। ये होती है भाई, BSc में भी आती है इक्वेशन यार, और MSc में भी आती है, हर जगह यही आती है। तो आपका u क्या है और x क्या है ना, v क्या है, तो f ऑफ एक्स वाई आपका होता है u ऑफ एक्स वाई प्लस में आयोटा v एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये होल टर्म, ये होल टर्म आपकी u है, ये होल टर्म आपकी v है। तो मैं लिखूँ, अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर कुछ आपका ऐसा लिखा जाएगा, अगर मैं इसको लिखूँ u किसके इक्वल होगा, x और y, ये हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स प्लस वाई वन प्लस एक्स माइनस वाई प्लस में ए एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस वन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a, इसको b, मतलब वन प्लस एक्स का स्क्र माइनस वाई का स्क्र प्लस में ए एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस वन। ये हो जाएगा अभी आपका, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे वन प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस में ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा? फाइनली आपके पास बचा है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर बचा अभी आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया अभी आपका यू ऑफ एक्स वाई एंड वी ऑफ एक्स वाई, आयोटा को छोड़ दीजिए, जो बच गया वो आपका वी ऑफ है टू वाई वन माइनस एक्स माइनस ए एक्स, ठीक है भाई। तो मैं इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ, एक्स स्क्र टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस में टू एक्स माइनस वाई स्क्र माइनस ए एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड वी ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू टू वाई विच इज इक्वल टू टू वाई वन माइनस एक्स माइनस अल्फा एक्स वन माइनस एक्स माइनस ए एक्स, ए की वैल्यू ही निकालनी है। तो भाई एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन है तो मतलब सी आर इक्वेशन को वैलिड करेगा ही करेगा, मतलब यू ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके इक्वल आ जाए टू एक्स प्लस में टू, और यहाँ पर आपका जीरो हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाए माइनस टू ए एक्स, किसके इक्वल होगा भाई, डेफिनेटली वी ऑफ वाई के इक्वल होगा। इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स माइनस ए एक्स,
वन माइनस एक्स माइनस ए एक्स, ठीक है भाई, ये आपके पास फाइनली बच गया, दैट इज वन माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स, ठीक है, ओके। तो भाई अब इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कीजिए, टू एक्स प्लस में टू माइनस टू ए एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस ए एक्स, सॉरी। तो भाई देखना, ये इधर ले जाओ प्लस में हो जाएगा, ये आप इधर लेके जाओ माइनस में हो जाएगा, ये आप इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा भाई आपका दिस वन इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, दिस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में ए स्क्र बी स्क्र प्लस में टू ए बी, दिस वन ओके, एंड और ए स्क्र एक्स स्क्र ए वन से वन कैंसिल हो गया, एक्स स्क्र टू एक्स स्क्र माइनस दिस वन ओके, ठीक है। और यहाँ पर आपका टू बी आएगा ना भाई, यहाँ पर आपका टू बी आएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो मतलब ये आपकी होल टर्म अब क्या हो जाएगी, टू माइनस टू ऑफ एक्स माइनस टू ए एक्स, मतलब ये टू है उस साइड वाले टू से आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इस साइड चला जाएगा और ये आपका इस साइड आ जाएगा, मतलब फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, कैंसिल भाई, फोर से फोर कैंसिल, देयर मस्ट बी ए इक्वल टू माइनस वन, ए इक्वल टू माइनस वन। तो ए की वैल्यू अगर आप माइनस वन पुट करोगे, तो आपका ये फंक्शन डेफिनेटली एनालिटिक होगा, यकीन नहीं होता तो क्रॉस चेक करके देख लीजिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, क्या करना आपको, क्रॉस चेक कर लीजिए उसको, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा अब ये आपका वेव फंक्शन, सॉरी ये आपका फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, बाकी उसने बोला था ये एनालिटिक फंक्शन है, आपको ए की वैल्यू, तो क्रॉस चेक करने के लिए ए की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको चेक करना अभी क्या ये फंक्शन आपका एनालिटिक है या नहीं है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, ये लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, एक हार्मोनिक कंजुगेट है u ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू टू एक्स वन माइनस वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, आपकी अब की बार एफ ऑफ एक्स वाई ने दिया, ओमेगा दे दिया, ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस में आयोटा u ऑफ एक्स वाई इज गिवन बाय, अब की बार क्या दे दिया भाई, अब की बार हमें दे दिया इमेजिनरी पार्ट, अब की बार क्या दे दिया हमें इमेजिनरी पार्ट, दैट इज v ऑफ एक्स वाई इज दिस, ठीक है, टेकिंग द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट और सॉरी वी ऑफ एक्स वाई भी दे रखा और यू ऑफ एक्स वाई भी दे रखा, ठीक है, टेकिंग द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट टू बी जीरो, मतलब आपका जो सी हमने पीछे निकाला था वो जीरो है, मतलब वो हमें काउंट नहीं करना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, भाई क्या होता है, एक बात इसमें नोट कर लेना, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, देखो सबसे पहले क्या होगा, कोई फंक्शन बनेगा, सबसे पहली चीज क्या बनेगी, फंक्शन बनेगा, क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा, फंक्शन क्या हो सकता है भाई, एनालिटिक हो सकता है या नॉन एनालिटिक हो सकता है, ठीक है, एनालिटिक के लिए हमने एक ही कंडीशन की बात की, अभी एनालिटिक के लिए हमने सिर्फ एक कंडीशन की बात की है, वो क्या करेगा, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये क्या करेगा भाई, इसको फॉलो नहीं करेगा, सी आर इक्वेशन डज नॉट फॉलो, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसकी, मतलब एनालिटिक फंक्शन हो गया, वैसे बता रहा हूँ ये काम आएगा, एनालिटिक फंक्शन है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बाद, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बाद जो आपका ये होता है, जैसे ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज यू ऑफ एक्स वाई प्लस में आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, इनको हम बोलेंगे दैट इज हार्मोनिक कंजुगेट, क्या बोलोगे, दैट इज हार्मोनिक कंजुगेट, अगर आपको हार्मोनिक कंजुगेट बोल दिया जाए तो मतलब वे सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, अगर आपको हार्मोनिक कंजुगेट बोल दिया जाए तो मतलब वो आपका सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे,
अगर इसने नहीं लिखा, अब ये आपका सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या ऐसे नहीं लिखा, ये आपका एनालिटिक फंक्शन है, तो हमें अंडरस्टूड हो जाना चाहिए भाई ये आपका एनालिटिक फंक्शन है। बाकी इसने बोल दिया भाई आपका जो फंक्शन है दैट फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन, इसने ये बात बोल दी है पहले ही अभी, दैट फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन, एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन ये यहाँ पर बोल दिया है। ये थोड़ा डार्क हो गया, इसको हटाते हैं, दूसरा कलर लेते हैं। आई थिंक दिस मस्ट बी गुड, ओके दिस वन इज गुड, दिस इज कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन। अब तो भाई फटाफट सोल्व करके मुझे बता ही दीजिए, ये आपका कोई फंक्शन था, फंक्शन के बाद मुझे क्या देखना है भाई, एनालिटिक है या नॉन एनालिटिक है। एनालिटिक है तो वो क्या करेगा आपका सी आर इक्वेशन को वैलिड करेगा, सी आर इक्वेशन के बाद क्या होगा उसको क्या कहला जाएगा, क्या बोला जाएगा, दैट इज हारमोनिक कंजुगेट। मतलब जो सी आर इक्वेशन को वैलिड करेंगे वे हारमोनिक कंजुगेट होंगे, ये बात आपको पता होनी ही होनी चाहिए। फटाफट बता दीजिए भैया, बता दोगे, अरे क्वेश्चन देख लीजिए, अब तो बता दीजिए। u ऑफ एक्स वाई है 2x1 माइनस y, एंड v ऑफ एक्स वाई अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा वाई एंड गामा वाई स्क्वायर। हो जाएगा देखिए भाई, u of x y है आपका that is 2x1 minus y, and v of x y है आपका that is alpha x square beta y gamma y square, alpha x square plus में beta y and gamma y square, ये है आपका ठीक है। तो भाई ये क्या हार्मोनिक कंजुगेट है, हार्मोनिक कंजुगेट की इक्वेशन पूछी है, इक्वेशन किसकी फॉर्म में पूछी है, अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में पूछी है। मतलब ये आपके चार रिलेशन है, ये आपके चार रिलेशन है, इन चार रिलेशन में से हमें कोई अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है, उन तीनों का मल्टीप्लाई भाई आपका वन के इक्वल हो जाए पहली बात ये, दूसरा एक दो का सम तीसरे के इक्वल होगा, दो एक का दूसरे से माइनस आपका तीसरे के इक्वल होगा, तीनों का सम कर दीजिए जीरो आएगा, ये तीन चार कंडीशन हमें गिवन है। तो बड़ा प्यार से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो भाई आपका सी आर इक्वेशन क्या कहता है, यू एक्स मस्ट बी इक्वल टू वी ऑफ वाई एंड यू ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू वी ऑफ एक्स। तो यू ऑफ एक्स लिखोगे तो वो हो जाएगा आपका 2 1 माइनस y, मस्ट बी इक्वल टू यू वी ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू वी ऑफ वाई, इसको हटा दीजिए, यहाँ लिख दिया मैंने, दैट इज यहाँ पर आ जा बीटा प्लस में 2 गामा, बीटा प्लस में 2 गामा y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया भाई, यहाँ से अगर ये दोनों इक्वल तो है ही, तो 2 माइनस 2 ऑफ y विच इज इक्वल टू बीटा एंड 2 गामा y। तो भाई डेफिनेटली ये इक्वल कब होगी, जब बीटा की वैल्यू क्या होगी 2 होगी और गामा की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, तभी तो इक्वल होंगे, अदरवाइज तो सी आर इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा, सी आर इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा तो हार्मोनिक कंजुगेट नहीं होगा, हार्मोनिक कंजुगेट नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो मतलब हमारे पास दो वैल्यू तो आ गई एक ही इक्वेशन से। अब सेकंड वाली इक्वेशन यूज कीजिए, दैट इज यू ऑफ एक्स यू ऑफ वाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा दैट इज -2x विच मस्ट बी इक्वल टू वी ऑफ एक्स विद माइनस साइन। तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स एंड 2 आपका लगे, तो ये हो जाए यू ऑफ वाई मस्ट बी इक्वल टू माइनस वी ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू माइनस 2 ऑफ अल्फा एक्स, माइनस से माइनस गया, अल्फा से अल्फा गया, एक्स से एक्स गया, तो अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू -1,
ये आपके पास वैल्यू आ गई है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, क्या करना है भाई, अब हमें ऑप्शन पे जाना है। तो भाई एक 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 करके, एक एक करके ऑप्शन देख लीजिए। चलो पीछे आए हैं तो पीछे से शुरू कर देते हैं। अल्फा आपका क्या है, दैट इज अल्फा की वैल्यू क्या थी, माइनस वन थी ना, अल्फा वन है। ओके, अल्फा आपका वन है, बीटा आपका दैट इज टू है, गामा आपका माइनस वन है, ठीक है। ये तो भाई इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली माइनस टू आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। अल्फा और गामा को जोड़ोगे तो आपका जीरो हो जाएगा, बीटा के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तीनों को जोड़ोगे तो आपका टू आंसर आएगा, जीरो ऑप्शन भी नहीं होना, ये भी गलत है। अब यहाँ देखो, अल्फा माइनस गामा, वन माइनस माइनस ऑफ वन इज इक्वल टू टू, टू की वैल्यू क्या है, बीटा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया भाई? अरे समझ में आया या नहीं आया, आगे चलें, आगे चलें, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए भाई। अरे नंबरिंग तो हम देना ही भूल गए, स्टार्टिंग में तो दी थी, दैट इज 56। दैट इज 57। दैट इज 58। चलिए भाई चलिए, दैट इज 59, ठीक है। आगे चलिए भाई, दैट इज 60, कीजिए भाई। सॉलिड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, अगर ब्लर दिखाई दे रहा तो एम एंड एन की वैल्यू निकालनी है, सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई आपका कोई फंक्शन है विच इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस में एम एक्स वाई प्लस में एन वाई स्केयर। और ये फंक्शन आपका क्या है, हार्मोनिक है भाई। हार्मोनिक कौन सा फंक्शन होता है, जिसको हार्मोनिक का पता लग गया क्वेश्चन वही सोल्व हो गया, फिर आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हार्मोनिक क्या होता है भाई, देखो मैं बता देता हूँ, चलो इतने तो मैं आपके साथ है, मैं वो क्या फेवर कर ही देता हूँ। हार्मोनिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है भाई, हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका लैपलास क्या हो, जीरो हो, क्या हो, जीरो। मतलब हार्मोनिक फंक्शन आपका वो फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन आपका वो फंक्शन है जिसका लैपलास जीरो है, जिसका लैपलास जीरो है। अब तो भाई में 1 मिनट लगेगी, दो बार डिफरेंशिएशन कर दो, दो बार डिफरेंशिएशन कर दो और सॉल्व कर दो फटाफट, दो बार डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर दीजिए, टाइम मत लगा दीजिए, ठीक है। दैट इज एक्स स्केयर प्लस में एम एक्स वाई प्लस में एन वाई स्केयर, दिस वन ना। ओके, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, दिस वन मतलब इसका भी दो बार, इसका भी दो बार और इसका भी दो बार। तो यहाँ पर एक्स के लिए होगा, यहाँ पर वाई के लिए होगा, यहाँ दोनों के लिए होगा, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 2x अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर अगर करोगे एम एक्स हो जाएगा, ठीक है, दोबारा करोगे तो एम वाई हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाए 2ny हो गया। एक बार फिर करोगे तो क्या बचेगा, एम एम बचेगा। अरे अरे अरे, क्या मैंने क्या गड़बड़ी कर दी, यहाँ पर एक्स के लिए करूँगा तो एम वाई आएगा और यहाँ वाई के लिए करूँगा तो एम एक्स का आएगा, यही है ना, दैट इज एम एक्स वाई। ओके, कर्ली स्केयर बाय दिस वन एंड ये हो जाएगा आपका कर्ली स्केयर बाय। ओके ओके ओके, तो अब इसका आप करोगे तो ये कांस्टेंट, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, मतलब ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाए, जीरो हो जाए दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है।
क्या क्या बचेगी, ये वाली बचेगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टू, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करोगे और यहाँ पर आपका बचेगा टू एन। ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो क्या बचेगा हमारे पास, टू एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू, टू एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू। तो ये हो जाएगा आपका एन, आपका हो जाएगा एन, आपका हो जाएगा दैट इज माइनस ऑफ वन, एन हो जाएगा आपका दैट इज माइनस ऑफ वन। ये आपका क्वेश्चन था भाई, ये आपका क्वेश्चन था। एक मिनट रुकिए, मुझे कुछ थोड़ा सा मुझे कुछ डाउट हो रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ। मेरे पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक है भाई, मैंने किया भी ठीक है, लेकिन एक मिनट, इसको मैं प्रॉपर चैनल से ही लिखता हूँ, शॉर्टकट नहीं अपनाते, शॉर्टकट से मुझे क्वेश्चन थोड़ा खराब सा दिखाई दिया। इसको भाई मतलब जो आपका कर्ली स्क्वायर एफ है, ये कर्ली स्क्वायर एफ आपका जीरो होना चाहिए, मतलब इसका कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली एक्स स्क्वायर एंड कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये है। तो कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स वाई प्लस में एन वाई स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा अभी आपका कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ये दिस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स वाई प्लस में एन वाई स्क्वायर। तो भाई यहाँ से एक बार डिफ्रेंसिएशन करोगे, कर्ली बाई कर्ली एक्स स्क्वायर टू बाई एक्स प्लस में एम वाई, ये तो आपका ऑलरेडी जीरो हो ही गया। ये हो जाएगा कर्ली बाई कर्ली वाई, पहली टर्म जीरो, दूसरा आपका एम एक्स बचेगा और आपका टू एन वाई बचेगा। आगे डिफ्रेंसिएशन एक बार करोगे तो टू बचेगा और ये आपका जीरो हो जाएगा, प्लस में इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करोगे ये आपका जीरो हो जाएगा और आपका टू एन बचेगा विच इज इक्वल टू जीरो। तो एन आपका दैट इज माइनस ऑफ वन ही आएगा, मतलब प्रॉपर चैनल से ऐसा किया जाएगा, पहले भी हमने ठीक किया था। तो भाई मैंने देखा एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस वन होनी चाहिए, एन की वैल्यू वन होनी चाहिए माइनस वन। तो एम के लिए भी पूछेगा भाई, एम की भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी ही होनी चाहिए ना भाई। फिर डेफिनेटली अगर एम की वैल्यू की बात करें, अब भाई आप एम आपका यहाँ एक है, दो है, चार है, छः है, दस है, पचास है, हज़ार है, उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएशन से बाहर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एम है वो, एम है वो एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, एम की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एन की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली माइनस वन होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर भाई पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक इट, ठीक है, लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई, ये कर देना। और अभी 9 PM पे अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास है, क्या है, स्पेशल क्लास है, ठीक है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ आ सकते हो और आराम से देख सकते हो, और पुरानी भी बहुत सारे स्पेशल क्लास है। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये कोड यूज कर लेना, एनआरजी10, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा भाई। वो थैंक यू स्लाइड बाय मिस्टेक स्किप हो गई मुझसे, तो मैं आज ऐसे लिख के काम चलाता हूँ, थैंक यू, ठीक है, ऐसे ही अब हो गई यार बाय मिस्टेक मिस, थैंक्स, ठीक है। और भाई वीडियो अगर पसंद आए लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।